और हमारे साथ इसको सिर्फ बातचीत करने के लिए इस समय जुड़े हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शेखावत साहब पहला सवाल क्या एग्जिट पोल के बाद आपके मन में भी शंका आ गई थी कि राजस्थान कहीं हाथ से ना निकल जाए या फिर आप कॉन्फिडेंट थे गजेंद्र जी धन्यवाद अमीर जी नमस्कार चुनाव यात्रा जब प्रारंभ की थी उससे पहले से ही जी <coughs> मैंने निरंतर यह बात कही थी कि राजस्थान की जनता अब की बार इस कांग्रेस की नकारा निगमी सरकार को उखाड़ फेंकने का मानस बना चुकी है जी एक साल पहले हुई जनाक्रोश यात्राओं के समय में जो जनता के मन के भाव हम लोगों ने समझे थे और धरातल पर जाकर के राजस्थान के सभी कोनों में जो महसूस किया था कि राजस्थान की जनता अब इस सरकार को जो मात्र अपना संवैधानिक आयुष पूरा कर रही है एक दिन भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है जी मेरा अगला सवाल है आपने जीत के बाद कहा कि जादूगर का जादू नहीं चला तो फिर किसका जादू चला मोदी का देखिए माननीय मोदी जी ने पिछले नौ साल दस साल में जिस तरह से देश के एक तरफ सामान्य मानवी के जीवन को परिवर्तित किया जी देश के सामान्य मानवीय के जीवन को परिवर्तन के साथ साथ में देश के 130 करोड़ लोगों में जिस तरह से स्वाभिमान जागृत किया है भारत का मान और सम्मान पूरे विश्व भर में बढ़ा है और जिन प्रदेशों में डबल इंजन की सरकार है उन प्रदेशों में जिस तरह से तेज गति से विकास हुआ है जादू तो माननीय मोदी जी का चल रहा था और या फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम का चल रहा है लेकिन था। लेकिन एक सवाल एक सवाल होगा मेरा यही अगला सवाल है क्या सनातन धर्म का विरोध कांग्रेस के लिए श्राप बन गया जैसा कांग्रेस के एक बड़े नेता ने भी ट्वीट किया और जाति का मुद्दा भी नहीं चला गजेंद्र सिंह निश्चित रूप से जी जिस तरह से पिछली सरकार ने तुष्टिकरण की नीति पर काम किया था अनेक उदाहरण में आज उन उदाहरणों में नहीं जाना चाहता लेकिन दंगों से लेकर के और हर अवसर पर तुष्टिकरण उस तुष्टिकरण के चलते हुए राजस्थान की जनता पहले ही आक्रोशित थी और फिर सनातन पर जिस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान दिए गए मैं मानता हूं कि केवल राजस्थान में नहीं मध्यप्रदेश में छत्तीसगढ़ में उसका एक व्यापक प्रभाव हुआ है और निश्चित ही जो कुछ इन्होंने कहा है और जिस तरह की प्रतिबद्धता सनातन को समाप्त करने को लेकर के व्यक्त की है चाहे कितनी भी जने हो शर्ट के ऊपर पहन करके मंदिर में तिलक लगा करके और गांधी परिवार के लोग चले जाएं जनता अब इनकी हकीकत को पहचान चुकी है क्या राजस्थान में अब बुलडोजर मॉडल काम करेगा क्योंकि सीएम योगी ने भी राजस्थान की चुनावी सभा में प्रचार के दौरान इसका जिक्र किया था शेखावत जी देखिए बुलडोजर मॉडल कोई मॉडल नहीं होता विषय यह है कि अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से काम करना पड़ेगा महिलाओं के प्रति जिस तरह से राजस्थान में अपराध हुए राजस्थान को जिस तरह से माफियाओं को पनपने की एक ऐसी उर्वरक भूमि के रूप में बना दिया गया है, राजस्थान में जिस तरह से भ्रष्टाचार के चलते हुई पोस्टिंग्स के चलते हुए पुलिस का इकबाल समाप्त हो गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्राथमिकता रहेगी और ये हमने अपने घोषणा पत्र में भी कहा है कि राजस्थान में कानून का राज स्थापित हो राजस्थान में कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ उसको भारतीय जनता पार्टी यानी आपकी पार्टी ने भी क्या आपको लगता है वो भी जीत का एक कारण बनी उदयपुर में बड़ी जीत हुई बीजेपी की देखिए जैसा मैंने कहा कि पिछली सरकार ने जिस तरह से तुष्टिकरण की जी। दंगों के समय में दंगों के जांच के समय में उनके गिरफ्तारियों के समय में मुआवजे के समय में जिस तरह से मंदिरों को तोड़ा गया जिस तरह से त्योहारों पर उत्सवों के समय धारा एक लगा करके प्रतिबंध लगाए गए और दूसरी तरफ एक दूसरे समाज को पोषित करने के लिए जिस तरह की घटनाएं हुई जी उसके कारण से निश्चित रूप से एक आक्रोश जनता के मन में था और कन्हैयालाल टेलर की हत्या और वो एक ऐसे व्यक्ति की हत्या जो पांच छह सात बार पुलिस के सामने जाकर के सुरक्षा की गुहार लगा चुका हो निश्चित रूप से इसने जनता के मन और मानस को उद्वेलित किया है इसी तरह की घटना छत्तीसगढ़ में भी हुई जहां एक व्यक्ति को लव जिहाद के चलते हुए अनेक लोगों ने इकट्ठे होकर के पीछ जी, पीछ करके मार डाला और उन्होंने हमारे प्रत्याशी के रूप में चुनाव भी लड़ा था और प्रचंड बहुमत अगला सवाल निश्चित ही कन्हैयालाल टेलर की उस हत्या ने इस कांग्रेस पार्टी के ताबूत में अंतिम केल ठोकने का काम जरूर किया था लेकिन राजस्थान में अब अगला सवाल तो मुख्यमंत्री पर है वसुंधरा राजे होंगी या कोई और होगा या आप भी हो सकते हैं गजन शेखावत हो सकते हैं क्या मैंने बार बार ये कहा आज फिर एक बार कहूंगा कि ये विधायक दल की बैठक होने दीजिए विधायकों को अपना नेता चुनने दीजिए उस पर मोहर लगाने का काम पार्लियामेंट्री बोर्ड का होता है वो जो होता है कर देंगे वो राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा लेकिन मैंने जो बात पहले कही थी चुनाव के वो आज एक बार फिर कहूंगा जो कोई भी राजस्थान का मुख्यमंत्री चुना जाएगा हम सब लोग मिलकर के वो यशस्वी हो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत की यात्रा प्रारंभ हुई है उस यात्रा में राजस्थान चूंकि राजस्थान में सभी तरह की संभावनाएं हैं सभी तरह की क्षमताएं हैं जी वो राजस्थान उस विकसित होते हुए भारत का ग्रोथ इंजन बने इसके लिए हम सब लोग मिलकर हमारे चुने जाने वाले मुख्यमंत्री और उसकी सरकार यशस्वी हो सफल हो और ये डबल इंजन की सरकार डिलीवरी करने लाए वाली हो इसके लिए हम पूरी प्राण और प्रण की ऊर्जा से हम सब लोग साथ मिलकर के काम करेंगे शेखावत साहब आखिरी में एक छोटा सा सवाल है मेरा आपके सांसद जो विधायक का चुनाव जीत गए हैं क्या वो लोकसभा 2024 में दोबारा लड़ेंगे या फिर वो विधायक ही रहेंगे चलिए देखिए पार्टी का निर्णय होगा पार्टी तय करेगी धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेखावत जी हमारे साथ